आज मैंने बनाई है आलू गोभी की सब्जी। और दही और एक चपाती। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। दिन के बज गए हैं 12। 2-3 दिन से मैं वहां नहीं जा पा रही थी ना, वो जो तिब्बत मार्केट था, बस आज खाना खा के मेरे जाने का सोचा हुआ है कि आज मैं वहीं पे जाऊंगी, देखती हूँ क्या सीन है वहां का। मैंने अपने लिए खाना बना लिया है, क्योंकि अगर मैं खा के नहीं जाती ना तो फिर छोले कुलचे खाने होते मेरे को। तो मैंने सोचा कि एक रोटी तो खाना है, तो क्यों ना खा के ही निकला जाए। धुले हुए कपड़े भी मैंने उठा लिए हैं, सारा सूख गया था। और आज कोई एक ऐप खोल के मैंने कुछ सीखा भी है वहां पे, तो बस अभी खाना खा के नहाने घुसूंगी, नहाने के बाद तैयार होके फिर निकल जाऊंगी। फिर मिलती हूँ आप लोगों को तैयार होके गाड़ी में। आप लोग भी तब तक तैयार हो जाइए चलने के लिए, जब तक मैं खाना खा रही हूँ तब तक आप लोग भी तैयार हो जाइए। फिर मिलते हैं नीचे पार्किंग में। अब मैं तैयार हो गई हूँ निकलने के लिए। मैं बताना भूल गई थी, काफी दिन से रागी वाला आटा जो मैं खाती हूँ वो खत्म हो गया था। तो आज मैंने आटे में सोचा कि ना ओट्स मिक्स कर दिया जाए। तो ओट्स को मैंने ग्राइंड नहीं किया था, बस ऐसे ही साबुत निकाला और मैंने मिक्स कर दिया, तो वो उसी में मिक्स हो गया था। बहुत सही रोटी बनी उसकी। अब तो रागी उगी सारा पीछे हो गया। अभी मैं सोच रही थी अभी बाजार जाऊंगी तो चक्की में जाके लेके आऊंगी, कल मेरे को मिला नहीं था। अब मैं सोचती हूँ चक्की वाले से जाके पूछूं कि अगर उसके पास होता है सारा बाजरे का, ज्वार का और मक्की का और रागी का, ये सारा आटा मैं सोच रही हूँ लाने के लिए। आइए, मैं तैयार हो गई हूँ, नीचे चल रहे हैं, आइए। अरे आए नहीं आप लोग? अच्छा, रास्ते में मिलेंगे। चलिए मैं वेट कर रही हूँ, मिलिए कहीं बाहर रास्ते में, फिर साथ चलते हैं। आपको भी तो देखना होगा ना वो मेला कैसा है, सर्दी शुरू हो गई है, कपड़े भी लेने होंगे। चलिए मैं मिल रही हूँ आपको। जहाँ मैं आई थी वहाँ का नज़ारा ऐसा है, बाहर तो ये नमकीन वगैरह बेच रहे हैं। क्या क्या चीज़ का चाह रहे हैं? अचार सब है मैडम जी, सांगरी का है, पीठ का है। आप राजस्थान से हैं? राजस्थान बीकानेर है? ये क्या गट्टा है? ये क्या सब्जी में इसको डायरेक्ट डाल दो बिना फ्राई किए हुए? ये फ्राई किया हुआ है। अच्छा, इसे छोटा पैकेट भी है? नहीं। और गजक भी है, देख लो बहुत सारी। नहीं, गजक तो खैर नहीं चाहिए। और नमकीन टॉफी गोरखपुर में खादिम लगी। चलो मैं अंदर से आती हूँ फिर देखती हूँ। इस तरह के स्वेटर हैं, पता नहीं कुछ दिखेगा अभी या नहीं।
कहाँ है? लोकल मार्केट के जो सामान होते हैं वही दिख रहा है मुझे। लेकिन वो बेज भी अच्छा था। अंदर तो कुछ समझ में आया नहीं, ये पता नहीं सामान कुछ राजस्थान की नमकीन वगैरह पापड़ भुजिया वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे। मैं सोचा तिब्बत मार्केट है लेकिन बाहर तिरुपति लिखा हुआ है, सब मिक्स कर रखा है, मिक्स सामान बेच रहे हैं। ये वो पापड़ निकाले हैं और एक वो मंगौड़ी और वो कुछ खास नहीं है। अभी मैं वही हूँ जहाँ ये मेला सा लगा हुआ था। कुछ मजे वाली बात तो लगी नहीं मुझे। तिरुपति मार्केट लिखा है, तिरुपति बुलन मार्केट, ये तिब्बत मार्केट नहीं है। मतलब सदर में जो लोकल मार्केट होते हैं ना, जो मतलब बहुत ही अजीब सी जो होते हैं कपड़े, वो कपड़े बिक रहे हैं यहाँ पर। कुछ खास बात नहीं है, अट्रैक्शन बस वही है, राजस्थानी अचार की जो शॉप लगी हुई है बस यही अट्रैक्शन है और कुछ खास नहीं। मैं सोच रही हूँ जो 56 की तरफ, जो गोलसुक की तरफ जो लगा हुआ था तिब्बत मार्केट, मैं सोच रही हूँ उधर ट्राई किया जाए, तो उधर चलती हूँ मैं। ठीक है, उधर मिलते हैं आपको।